हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स नॉलेज प्रमोशन। आज हम चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स की एक्सरसाइज 10.4 के क्वेश्चन नंबर 2 पर डिस्कस करने जा रहे हैं। इफ टू इक्वल बोर्ड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, हमें कहा गया है कि एक सर्कल के अंदर दो इक्वल बोर्ड्स हैं जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो हम ये एक सर्कल ले लेते हैं एंड एक बोर्ड ये ले लेते हैं एंड दूसरी बोर्ड इस तरह से ले लेते हैं। तो सर्कल के अंदर ये जो कोड हमें दी गई है इनकी लेंथ इक्वल दी गई है। लेट्स सी, ये ए बी है एंड ये सी डी है। तो ए बी इज इक्वल टू सी डी, ये हमें दी गई है एंड सर्कल के अंदर पी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। सो प्रूव दैट द सेगमेंट्स ऑफ वन कोड आर इक्वल टू कॉरेस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स ऑफ अदर कोड। तो इंटरसेक्शन से क्या हुआ कि ये दोनों कोड्स के दो अलग अलग सेगमेंट्स हो गए हैं, ए पी पी बी एंड सी पी पी डी। तो हमें यहाँ पर ये प्रूव करना है कि ये जो ए पी सेगमेंट है वो डी पी सेगमेंट के इक्वल है एंड सी पी सेगमेंट डी पी सेगमेंट के इक्वल है। ओके, सो फर्स्टली हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि हमें गिवन क्या है। अ सर्कल सी ओ आर, ओके, हम यहाँ पर इस सर्कल का सेंटर मान लेते हैं ओ, इन विच इसके अंदर हमें कोड इक्वल दी गई है ए बी इज इक्वल टू सी डी। ये दो कोड है, कोड ए बी इज इक्वल टू सी डी। ओके, एंड नाउ टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि ए पी इज इक्वल टू डी पी एंड सी पी इज इक्वल टू बी पी। यहाँ पर हम लिख लेते हैं P is intersecting point. Okay? And now, यहाँ पर हमें construction भी करनी होगी। हमें construction क्या करनी होगी? हम इस center से AB कोड पर एक perpendicular draw कर देते हैं। एक perpendicular draw कर देते हैं इस तरह से। And CD कोड पर भी एक perpendicular draw कर देते हैं इस तरह से। एंड ये जो P पॉइंट है इसको O से जॉइन कर देते हैं। ओके, तो अब हमें ये देखना होगा कि ये जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ये हम जानते हैं कि थ्योरम 10.6 में ये प्रूव किया गया था कि अगर दो इक्वल कोड पर सेंटर से परपेंडिकुलर डाला जाता है तो इन परपेंडिकुलर्स की लेंथ इक्वल होती है। दैट मीन्स ये जो इक्वल कोड होती है वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर होती हैं। इनका हम नाम रख लेते हैं, दिस इज एल एंड दिस इज एम, दैट मींस ओ एल ओ एम के इक्वल है अकॉर्डिंग टू द थ्योरम 10.6। ओके, ड्रॉ ओ एल परपेंडिकुलर टू ए बी एंड ओ एम परपेंडिकुलर टू सी डी। ओके, एंड जॉइन ओ पी। तो इस तरह से हमने ये कंस्ट्रक्शन कर ली है। नाउ प्रूफ स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्टली हमें यहाँ पर क्या लिखना होगा कि ये ओ एल ओ एम के इक्वल होगी बिकॉज ए बी सी डी के इक्वल है। ओके, सिंस ए बी इज इक्वल टू सी डी सो इट इम्प्लाइज ओ एल इज इक्वल टू ओ एम बाय थ्योरम 10.6। ओके, एंड नाउ यहाँ पर हमें दो ट्रायंगल्स मिल गए हैं ओ एल पी ओ एम पी। इन दोनों ट्रायंगल्स को अब हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लेते हैं। ओके, इनके ट्रायंगल ओ एल पी एंड ट्रायंगल ओ एम पी वी हैव, हमारे पास क्या क्या है, ओ एल ओ एम के इक्वल है प्रूव्ड अबव। ओके, एंड ओ पी जो है वो दोनों के पास कॉमन साइड है। ओके, एंड यहाँ पर ये एंगल 90 डिग्री का है एंड इसके अंदर भी ये एंगल 90 डिग्री का है। सो एंगल ओ एल पी इज इक्वल टू एंगल ओ एम पी ईच 90। ओके, सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दिस इज द साइड एंड दिस इज हाइपोटेनियस एंड दिस इज राइट एंगल। तो आर एच एस कॉन्ग्रुएंस रूल हमें बताता है कि ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। सो इट इम्प्लाइज
triangle OLP is congruent to triangle OMP by RHS congruence rule. Okay, and now by the CPCT हम क्या कह सकते हैं, यहाँ एक साइड है ये LP and यहाँ है MP, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगी. So it implies LP is equal to MP by CPCT. Okay, अब हमारे पास ये छोटा सा सेगमेंट इक्वल आ गया है, तो इसकी हेल्प से हम इन दोनों सेगमेंट्स को इक्वल प्रूव कर पाएंगे. कैसे? यहाँ पर हमने देखा कि ये जो L पॉइंट है वो AB का मिड पॉइंट होगा, क्योंकि AB एक कोण है एंड इस कोण पर सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है. तो हम ये जानते हैं कि कोई भी परपेंडिकुलर जो सेंटर से कोण पर डाला जाता है वो उस कोण को बाइसेक्ट कर देता है. दैट मींस L इज द मिड पॉइंट ऑफ AB. सिमिलरली M इज द मिड पॉइंट ऑफ CD. तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, since OL is perpendicular to AB, so it implies AL is equal to LB and OM is perpendicular to CD, so it implies CM is equal to MD. Okay, तो इस तरह से हमने देखा कि AL LB के equal, CM MD के equal. And now यहाँ पर हमें ये तीन relations मिले हैं. This is one, this is two and this is three. And now अब हम क्या करते हैं, हमें चाहिए AP. तो AP हमें कैसे मिल सकता है? AL plus LP. तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर equation number one and two को add कर लेते हैं. Okay, adding equation one and two, we get, हमें मिल जाएगा AL plus LP is equal to DM plus MP. Okay, इससे मिल जाएगा AP. So it implies this is AP and this is DP. Okay, तो ये एक हमें relation मिल गया है. This is 4. And similarly, अब हम अगर पूरे कोण AB में से AP को minus कर देते हैं, तो क्या बचेगा? PB. Okay, and CD में से PD को माइनस कर देते हैं तो हमें मिल जाएगा CP. तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा, एंड नाउ वी हैव AB इज इक्वल टू CD. ओके, नाउ AB माइनस AP इज इक्वल टू CD माइनस DP. ओके, हमने यहाँ पर यूज किया है यूजिंग इक्वेशन 4. Okay, AB minus AP, that means BP. Okay, this is BP. And इधर क्या मिल गया है? CD minus DP is equal to CP. So this is the equation number 5. तो हमें ये results मिल गए हैं. BP is equal to CP and AP is equal to DP. तो यही हमें prove करना था. Equation number 4 and 5 से ये prove हो जाता है कि जो ये कोर्ड्स ड्रॉ की गई थी एंड इन्होंने पी पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया, तो यहाँ पर जो ये कॉरेस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स क्रिएट हुए हैं ये भी इक्वल होंगे. सो यहाँ हम लिखेंगे हैंस AP इज इक्वल टू DP एंड BP इज इक्वल टू CP, हैंस प्रूव. यही हमें प्रूव करना था. हमने इस क्वेश्चन में जिस स्टेटमेंट की हेल्प ली है वो यही है कि अगर कोर्ड्स इक्वल होती हैं तो सेंटर से डाला गया जो परपेंडिकुलर होता है उसकी लेंथ भी इक्वल होती है. दैट मींस ये कोर्ड्स इक्वल डिस्टेंस पर लाई करती हैं. तो इस स्टेटमेंट की हेल्प से हमने इस रिजल्ट को यहाँ पर फाइंड कर लिया है. अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट्स के थ्रू पूछ सकते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड वॉच द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.